मैं तुम्हें मार डालूंगी डायन। इससे पहले मैं तुम्हें मार डालूंगी वैम्पायर। बस तुम दोनों ये क्या कर रहे हो? इस बेवकूफ का कहना है कि डायन वैम्पायरों से बेहतर होती है। बेशक हम है खून के प्यासे वैम्पायर। स्टॉप, तुम दोनों सबसे बुरी स्टूडेंट्स हो। तुम दोनों जादुई स्कूल में कभी भी टीचर्स नहीं बन पाओगे। ग्वेन तो पक्का नहीं बन सकती। चुप रहो। स्टॉप, तुम दोनों ही बहुत ज्यादा बुरी हो। तुम ना तो स्टूडेंट्स को पढ़ाओगी और ना ही अपने बच्चों को संभाल पाओगी। हम संभाल लेंगे। ओ रियली? ओके, एक इंसान के बच्चे को ढूंढो जो उसे वैम्पायर या डाइन बना देगा, वो अपनी पढ़ाई जारी रखेगा। और दूसरा? दूसरे को निकाल दिया जाएगा। जाओ अब। अरे नहीं, ये जादूगर हमें हरा रहे हैं। तुम उसकी चिंता मत करो, तुम बस बॉल पास करो। वो। ये बिल्कुल सही नहीं है। सुपर पावर का इस्तेमाल करना रूल का हिस्सा थोड़ी ना है। तुम्हें मजा आया क्या? बढ़िया। वैम्प्स फिर चीटिंग कर रहे हैं। वो लोग सुपर पावर इस्तेमाल करना चाहते हैं। तो ठीक है, मैं उन्हें बताता हूँ अभी। अब आखिर वो किस लिए किया था? तुमने बॉल में कांटे उगा दिए, हद है। मुझे खुशी है कि तुम हमारे साथ हो। अरे वाह, वो कितने कमाल हैं। मैं उनमें से कैसे बन पाऊंगी? अच्छी। कौन है यहाँ पर? इंसान की खुशबू है। अरे नहीं, मैं तो गई। हे तुम रुको। लगता है अब मैं सेफ हूँ। अरे कोई आ रहा है। तुम मेरा पीछा क्यों कर रही हो? तुम मेरा पीछा कर रही हो? मैं बच्चे की तलाश में हूँ। कोशिश भी मत करना, सभी बच्चे वैम्पायर बनना चाहते हैं। ये इतना भी आसान नहीं है। मुझे लगता है मुझे यही एक बच्चा मिल जाएगा। अच्छा। बच्चे आसमान से नहीं गिरते हैं। तुम कौन हो? बोलो। प्लीज मुझे कुछ मत करना, मैं टीना हूँ, एक इंसान। इंसान? क्या तुम्हारे मम्मी पापा हैं? नहीं, और कोई दोस्त भी नहीं। लोग मुझे एक्सेप्ट नहीं करते, लेकिन मैं तुम लोगों के साथ भी नहीं रह सकती। क्या तुम वैम्पायर बनना चाहती हो? या फिर डायन? ये एक वैम्पायर बनेगी, मैंने इससे पहले ही पूछ लिया था। नहीं, ये एक डायन बनेगी। या शायद मैं दोनों बन सकती हूँ, ताकि आपका झगड़ा ना हो। क्या? अच्छा आइडिया है, मुझे ये बच्ची बहुत पसंद है। आपका क्या मतलब है? तुम दोनों इस लड़की को पढ़ाओगी। अगर ये डायन बन गई, तो ग्वेन जीतेगी, और अगर वैम्पायर बनी तो क्रिस्टी। तुम्हारे पास एक सप्ताह है। हे भगवान, अब क्या कहती हो, क्या करें? सबसे पहले उसे एक जादूगर स्कूल में भेजते हैं। सबसे पहले इसके कपड़े बदलने होंगे। नहीं, इसे शानदार दिखना ही होगा। नहीं, रुको रुको, चलो पहले मुझे कपड़े बदलवा दो और फिर स्कूल जाते हैं। हाँ। दोस्तों, आपको कौन ज्यादा पसंद है, वैम्पायर या डायन? प्लीज नीचे कमेंट में लिखें। मैं जवाब पढ़ने के लिए बहुत उत्सुक हूँ। ये कौन सी भयानक जगह है? सुपर नेचुरल सामान की बेस्ट दुकान है। हम तुम्हें डायन की तरह तैयार करेंगे। नहीं, वैम्पायर की तरह। अरे वाह, ये तो काफी डरावना है, लेकिन बढ़िया। तो ये क्या है? डोमिनोस। आराम से, इसमें बहुत सारे खतरनाक मंत्र लिखे हुए हैं। ये लेसन किस लिए है? ये क्या बेहुदा मजाक है, इसे दूर रखो। बेहतर होगा इस बेहतरीन डाइन गैजेट पे नजर डालो। वाह, एक क्रिस्टल बॉल। हाँ, इसे फेस टाइम कॉल के लिए कर सकती हो और इसे चार्जर की जरूरत नहीं है। ग्वेन,
तुम क्यों कॉल कर रही हो? सॉरी, मैंने ये सोचा नहीं था कि ये आप होंगी। ये लाइन सुप्रीम डायनो के लिए है, यहाँ कॉल मत करना। तुम बहुत मूर्ख हो। ये देखो, ये है वैम्पायर का बढ़िया गैजेट। लेकिन ये तो एक नॉर्मल बैट है। नॉर्मल? अरे ये तुम्हारे फेवरेट वीडियो को टिकटॉक या यूट्यूब से भेजने के लिए अल्ट्रासाउंड का वेव यूज करती है, जो सीधे तुम्हारे दिमाग तक जाता है। तुमने क्या कहा? सुनते रहेंगे। वाह, ये शानदार है। क्या दिखावा कर रही हो यहाँ पे? हम असल में टीना के कपड़े बदलने यहाँ आए हैं। हाँ, लेकिन प्लीज सिर्फ सही कपड़े। अगर तुम दोनों को एक बात नहीं पसंद तो? हाँ, हमें पता है। हम तुम्हें ये कपड़े पहनाएंगे और यहाँ से स्कूल के वैम्प लंच में ले जाएंगे। विची बेहतर है। गुड आफ्टरनून। हे, ओहो, मुझे लगभग पता चल गया था कि आइंस्टाइन ने अपना आविष्कार कहाँ छुपाया था। तुम्हारे लिए बहुत काम की है ये लड़की। क्या यही सब है? हाँ, खूनी जूस के दाग हटाने के लिए वाइप्स, वॉल पूप्स और डायन के पंजों की सेल है। क्या आप लेंगे? हाँ शुक्रिया, हमें इसकी जरूरत नहीं है। ठीक है, तो $1230 देना है। क्या आपको बैग चाहिए? बैग बताओ। वाओ, नहीं। वाह, क्या बात है, जादुई दुकान में असली पैसा है। ठीक है, अब हमें स्कूल जाना होगा। हाँ, उम्मीद है कि मैं यहाँ फिट हो जाऊंगी। अरे ये वही लोग हैं। कैसे हो तुम? कौन हो? टीना, मैं यहाँ नई हूँ। वैसे तुमने आधे डायन और आधे वैम्पायर के कपड़े क्यों पहने हैं? तो कौन हो तुम? हाँ, हमें बताओ तुम कौन सी जानवर हो? इंसान हूँ। तुम मुझे दोस्त नहीं बनाना चाहते हो, है ना? ये है बढ़िया, हमारे स्कूल का पहला इंसान। मुझे खुशी है कि तुम हमारे साथ हो। सच में, मैंने सोचा था तुम लोग बुरे हो और मुझे नहीं अपनाओगे। अरे नहीं, हम अच्छे हैं। हाँ, और हम किसी से लड़ते भी नहीं हैं। एक दूसरे से भी नहीं? मैंने पढ़ा है वैम्पायर और डायन हमेशा से दुश्मन रहे हैं। हुआ करते थे, लेकिन अब हम दोस्त हैं। लेकिन मैंने देखा तुम कैसे वॉलीबॉल खेल रहे थे, बिल्कुल भी दोस्ती नहीं थी। हम इसी तरह खेलते हैं। हमें बस वो मजाक करना पसंद है। दिलचस्प, पर तुमने दोस्त बनाने का कैसे सोचा? क्योंकि हमारे स्कूल में अच्छाई का राज है, नफरत और झगड़ों का नहीं। हेलो टीना, मैं मिस एलिस हूँ, तुम्हारी टीचर। हेलो, तो फिर यहाँ कोई बदमाशी नहीं है। बढ़िया। बेस्ट जादूगर स्कूल में तुम्हारा स्वागत है। हे हे, तुम यहाँ क्या कर रही हो? अपनी बेटी को स्कूल से ले जा रही हूँ। क्या? टीना मेरी वैम्पायर बेटी है। नहीं, वो मेरी डायन बेटी है। मामी। अरे फिर से बहस कर रहे हो आप लोग? हाँ। लेकिन क्यों? ये बेकार है। बेकार से क्या मतलब है तुम्हारा? हमारे टीचर कहते हैं ये बेवकूफी भरा झगड़ा है और हमारे स्कूल में सभी लोग दोस्त हैं। क्या? मैं इसे असली झगड़ा दिखाऊंगी। तुम ये सब क्या कर रही हो? तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई? सबसे पहले गुड आफ्टरनून, मुझे लगता है आप टीना की माँ हो। हाँ। आप बच्चों को ये क्या सब सिखा रहे हो? वैम्पायर और डायन एक दूसरे के दोस्त हो सकते हैं कभी? बिल्कुल, आप स्वयं एक डायन हो और आपको समझना चाहिए कि वैम्पायर ही बुराई की जड़ है। तुम हो बुराई की जड़, समझी? चुप करो वरना। रुको, मैं बच्चों को वही पढ़ाती हूँ जैसे मुझे सही लगता है। अच्छा, तो अब से तुम उन्हें बिल्कुल नहीं पढ़ाओगी। बेवकूफ टीचर। बस एक और शब्द बोला तो मैं सुप्रीम को बता दूंगी। ये हमें ऐसे ही झांसा दे रही है, भला एक सुप्रीम एक साधारण सी डायन की बात क्यों सुनेंगी? अच्छा, तो फिर मुझे उस इंसानी बच्चे के टास्क का कैसे पता चला जो सुप्रीम ने तुम्हें दिया था?
अगर तुम दोनों मुझसे उलझे तो मैं एरियल को बता दूंगी और तुम दोनों को निकाल दिया जाएगा, समझे? हाँ। ये देखो, ये है तुम्हारा वैम्पायर कमरा। देखो कितना डरावना है ये। वाह, तो मैं यहीं पर रहूंगी और डायन माँ हमसे यहाँ मिलने के लिए आएंगी। बिल्कुल नहीं, तुम हम में से हर एक के साथ बारी बारी से रहोगी। चलो शुरू हो जाओ। क्या? मुझे वो वैम्पायर की ट्रिक्स दिखाओ जो तुम्हें स्कूल में सिखाई गई है। अभी तक कोई ट्रिक नहीं। क्या? चलो कोई बात नहीं, अब मैं खुद ही सिखाऊंगी। चलो ट्रांसफॉर्मेशन से सीखो। पसंद आया? शानदार। ठीक है, तो अब तुम इसे ट्राई करो। नहीं टीना, तुम्हें चूहा नहीं बल्कि चमगादड़ बनकर उड़ना है। ट्रांसफॉर्म करो। ये काम नहीं करता। अरे चिंता मत करो, चलो सुपर स्पीड ट्राई करते हैं। हाँ, अरे गड़बड़ हो गई। नहीं, असल में इस बात को देखते हुए कि तुम इंसान हो, ये बुरा नहीं था। एक मिनट, अगर तुम एक इंसान हो तो तुमने ये सब मैनेज कैसे किया? शायद मैं एक जनजात टीचर हूँ इसीलिए। हेलो टीना, आखिरकार उस चमगादड़ ने तुम्हें आने दिया यहाँ? कम ऑन माँ, माँ क्रिस्टी अच्छी है। इस बारे में बात मत करो, बेहतर होगा कुछ रोमांचक करते हैं। जादू। हाँ, वाह, हम जादुई दवा बनाएंगे। ओके। नहीं, चीजों को सही ऑर्डर में मिलाना होता है वरना विस्फोट हो जाएगा। अच्छा, फिर सबसे पहले जड़ी बूटियाँ। हाँ, और अब ये 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 और ये। कमाल है, गुड गर्ल। अब इसे मिलाओ और मेरे बात दोहराओ। कमाल है, डायनो की दवा शक्ति की उड़ान। डायनो की दवा शक्ति की उड़ान। वाह, ये वही खिलौना है जिसका मैंने बचपन से सपना देखा था। थोड़ा अजीब है, डायनो की तरह नहीं है, लेकिन ठीक है, शाबाश। अब मंत्रों की ओर आगे बढ़ते हैं। वेनी सरपंचोटिया, वेनी अर्निया स्टेटिन। नहीं! ये सांप और मकड़ियों को बुलाने का मंत्र है। अगली बार पहले ट्रांसलेशन पढ़ना अच्छा होगा। लेकिन फिर भी तुम अच्छा कर रही हो, मैंने सोचा नहीं था कि लोग ऐसा कर सकते हैं। ऐसा शायद इसलिए क्योंकि मैं जन्मजात टीचर हूँ। मैं ये पहले भी सुन चुकी हूँ। अरे कम ऑन, डायन माँ ने ये कैसे किया? लगता है कि काम कर रहा है। और इस तरह, हाँ, पता नहीं मेरे दोस्त होंगे या नहीं। हे, कोई मदद चाहिए क्या? रुको जरा। वो, तुम्हारे पास तो वैम्पायरों की भी ताकत है, क्या इंसान ऐसा कर सकते हैं? मेरे पास बस अच्छे टीचर हैं। वो, तुम तो काफी कूल हो। हे, मैं थोड़ा कैफे जा रहा हूँ, क्या तुम मेरे साथ चलोगी? जरूर, मेरे पास कुछ फ्री टाइम है। ये तो काफी ताजा है। ये क्या है? ये खून का जूस है, काफी बढ़िया क्वालिटी है, तुम्हें इसे ट्राई करना चाहिए, एक बार करो ना। क्या पक्का ये मेरे लिए सही है? मैं इंसान नहीं हूँ ना। अगर तुम्हारे पास वैम्पायरों की ताकत है तो तुम्हें अच्छा लगना चाहिए। अच्छा तो ठीक है। अच्छा तो बढ़िया है ना। क्या है ये? बेकार, मैं अभी इसके लिए तैयार नहीं हूँ। अच्छा ऐसा है क्या, चलो कोई बात नहीं, तुम्हें धीरे धीरे आदत पड़ जाएगी। अरे यार, मैं भूल ही गया था, मुझे अभी जाना होगा। तुम्हें कोई प्रॉब्लम तो नहीं है ना?
हाँ जरूर, हम अगली बार मिलेंगे। अच्छा ठीक है, बाद में मिलता हूँ। ठीक है, मुझे इसका स्वाद हटाने के लिए कुछ और चाहिए होगा। वाह, काम कर गया। तुमने ये कैसे? हम लोग ये नहीं कर सकते। मैंने बहुत प्रैक्टिस की है। ओ भाई ठीक है, मुझे तुम्हारी जरूरत है। हे, तुम मुझे कहाँ ले जा रहे हो? तुम्हें ये पसंद आएगा। हम यहाँ क्या कर रहे हैं? सेल्समैन का मजाक उड़ा रहे हैं। वो हमेशा इस ओइजा बोर्ड के साथ बेवकूफ बनाती है। वो किससे बात कर रही है? देखो देखो। अरे ये क्या है, बहुत कुछ छू रही है। शांति से देखो। क्या तुम फिर से मेरे बेटे के साथ खिलवाड़ कर रही हो? मुझे माफ करना मिस्टर मैकार्थी। अब तुम्हें सजा मिलेगी। कैसा लगा? बढ़िया, पर आसान तरीका भी है। फ्यू और डैनी के पापा यहाँ कैसे आए? ये क्या है? आत्माएं पागल हो गई है। अरे वाह, तुम लोगों ने बताया नहीं कि तुम पार्टी कर रहे हो। दरअसल मैंने तुम सबको इनविटेशन भेजा है। लगता है टीना के साथ घूमते हुए मैंने ध्यान नहीं दिया। क्या तुमने टीना बोला? उसके पास काफी अच्छे जादू टोने वाले स्किल्स हैं। वाओ, टीना के पास जादू टोना स्किल है? वाओ, गजब, तो वो फिर हमारे जैसी बन जाएगी। मैंने देखा था कि उसके पास वैम्पायर की सुपर स्पीड तक है। क्या वैम्पायर स्किल्स भी? हाँ हाँ, मैं जानती हूँ, बोरिंग डाइन नहीं वैम्पायर बनेगी टीना। क्या तुमने बोरिंग कहा? जादूगर जो होते हैं वो प्रकृति के सेवक होते हैं, और तुम खून चूसने वालों धिक्कार हो। अबे तू पागल है क्या? चमका दे, फुफकारना बंद करो। तुम सब भूल गए, हम सब दोस्त हैं। मैं इन जानवरों का दोस्त नहीं हूँ। हाँ। अबे जो भी हो टीना, बनेगी तो वैम्पायर ही, और फिर हमारा सर्कल तुमसे बड़ा होगा। बिल्कुल नहीं, वो डायन बनेगी और हमारे लोग और भी ज्यादा हो जाएंगे। कम ऑन। कितना दिलचस्प है, लगता है मेरा सपना आखिरकार टूट रहा है। मुझे लेजेंड्स बुक में सभी चीजें दोबारा जांच करने की जरूरत है। आखिर मुझे इतनी प्यास क्यों लग रही है, और इतनी अच्छी स्मेल किस चीज की है? नहीं 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 टीना, तुम असली वैम्पायर नहीं हो। या हो? मुझे यही चाहिए था। हे भगवान। अबे देखा ना तूने, मैं जानता था कि तुम वैम्पायर होना ही चुनने वाले हो। लेकिन मुझे जादू भी पसंद है। मैंने कहा था ना टीना एक जादूगर बनेगी। दोस्तों रुको, मैं डायन और वैम्पायर दोनों बनना चाहती हूँ। ये कैसे हो सकता है? अगर तुम मुझे डेट करना चाहती हो तो तुम्हें वैम्पायर ही होना पड़ेगा। नहीं, टीना मेरे साथ रहेगी और वो जादूगर बनेगी। अरे अरे अरे, आराम से, तुम्हें क्या लगा मैं तुम्हें डेट करना चाहती हूँ? मैं तुम दोनों से दोस्ती करना चाहती हूँ। दोनों के साथ? सच में? मुझे लगता है कि तुम बहुत ज्यादा चालाक बन रही हो, तुम हम दोनों का मिलकर फायदा उठाना चाहती हो। मुझे तुमसे ये उम्मीद नहीं थी। लेकिन मैं तो बस तुमसे दोस्ती करना चाहती हूँ। डार्लिंग, क्रिस्टी के साथ सब ठीक है? अरे तुम रो क्यों रही हो? छोड़ो, छूना मत मुझे। तो क्या वो चमगादड़ थी? मैं उसे मार डालूंगी। वो बहुत पछताएगी। कोई मेरी बेटी को चोट नहीं पहुंचा सकता। तुम यहाँ पर क्या कर रही हो? बस चेक करने आई हूँ कि मेरी बेटी किस माहौल में रह रही है। तुम उसकी इंसल्ट कर रही हो या नहीं? क्या कहा? भाड़ में जाओ तुम। जैसी तुम्हारी इच्छा। रुको। क्या? कुछ नहीं, बस ऐसे ही इस डरावने चेहरे को देखने का एक बार और मन किया। दुष्ट। दुष्ट डायन, उसे ये पता भी नहीं चला कि मैंने उसे खराब दवा कैसे पहुंचा दी।
लहसुन डायन। अरे ये क्रिस्टी मुझे परेशान करती है, मुझे शांति वाली दवा की जरूरत है। हाँ ये रहा। ओह बहुत अच्छा लग रहा है, लेकिन मेरे होठों पे खुजली क्यों हो रही है? ये क्या है? मुझे क्रिस्टी। ग्वेन और क्रिस्टी बेवकूफ झगड़ों से मुझे तंग कर रहे हैं, मुझे उनकी सारी पावर्स को रोकना होगा। मेरी बच्ची टीना। हेलो। तो क्या तुम सुपर पावर और ट्रांसफॉर्मेशन की प्रैक्टिस करने के लिए तैयार हो? अरे कुछ बात हुई है क्या? क्लासमेट से झगड़ा हो गया था बस। क्या उन्होंने तुम्हें धमकाया है? कहाँ है वो? मैं उन्हें बर्बाद कर दूंगी। नहीं, इसकी कोई जरूरत नहीं है, सब ठीक है, मैं उन्हें संभाल लूंगी। पक्का? हाँ। तो ठीक है हनी, अब बेहतर होगा कि तुम अभी टहलो और थोड़ा आराम करो, अभी तो तुम्हारा पढ़ने का मूड नहीं होगा ना। ठीक है, शुक्रिया मां। इन क्लासमेट्स में गुड मैनर्स की कमी लगती है, मैं उन्हें ठीक कर दूंगी। अंधा है क्या? अबे साले पिछवाड़े पे लात मांग रहा क्या? अबे तुझे लड़ना है क्या? चला जा, देखते हैं किसमें कितना दम है। ठीक है रुक जाओ, तुम दोनों को पहले मुझसे ही लड़ना होगा। क्या तुम दोनों ने ही टीना की इंसल्ट की थी? अबे अब तू कौन है? तुम्हारा सबसे बुरा सपना। इस तरह नहीं, फिर से एक बार, मैं टीना की माँ हूँ, एक वैम्पायर। अगर सच में तुम एक वैम्पायर हो तो मैंने आज तक तुम्हारे जैसा भिखार वैम्पायर कभी नहीं देखा। तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मेरा मजाक उड़ाने की? लगता है जब बताना पड़ेगा कि वैम्पायर आखिर होता क्या है। अरे तुम यहाँ हो मेरी छोटी डायन लड़की, तुम पूछा क्यों लगा रही हो? मूड नहीं है बस। ओह मुझे खुशी की दवा मिली है, जरा पियो। मुझे नहीं चाहिए, अच्छा होगा मैं अपने क्लासमेट से दोस्ती करने के लिए दोस्ती की दवा ट्राई करूं। ओह ये बात है, तुम लोगों से लड़ी? मैं एग्जीबिशन के लिए तुम्हारे साथ पोस्टर नहीं बनाऊंगी। मैं भी नहीं, मैं मिस एलिस के पास जाऊंगी और उन्हें बोलूंगी कि मैं तुम्हारे साथ काम नहीं कर सकती। हाँ, जाओ। क्या वो तुम्हारी क्लासमेट है? हेलो लड़कियों। इस चूहे को उसके बेवकूफ दोस्त के साथ तो देखो। क्या वैसे क्या तुमने सुना कि तुम्हारी बेवकूफ दोस्त एक टाइम पर दो लोगों को डेट कर रही थी? हमने बस साथ में समय बिताया। चुप रहो टीना, मैं इसकी दोस्त नहीं बल्कि एक डायन माँ हूँ और तुम्हें मेरी बेटी की इंसल्ट करने का पछतावा होगा। टॉप क्लास डायन। क्या बकवास है, तुम तो गई। मेरी माँ को कुछ मत करना। ये क्या? वाह शुक्रिया डियर, तुम पक्का एक जनजात डायन हो। टीना तुम कौन हो? तुम एक ही टाइम में वैम्पायर और डायन नहीं हो सकती हो, वरना फिर अकेली हो जाओगी। ठीक है फैसला हो गया, मैं डायन बनूंगी। आउच मेरे दांत, नुकीले दांत। क्या हुआ, क्या तुम चिल्लाई? लेकिन मैंने चीख सुनी थी, क्या तुम्हारे साथ सब ठीक है? तुम अपना मुंह क्यों खोल नहीं रही हो? हाँ। ये क्या नुकीले दांत, आखिर कैसे? पता नहीं अभी अभी उगाए हैं। क्रिस्टी उसने तुम्हें काटा, ये रूल्स के खिलाफ है। नहीं नहीं काटा, मैं पूरी रात यहीं पर थी। तो वो घर में घुस आई और तुम्हें नींद में काट लिया, मैं उसे मार डालूंगी। अरे हद है, मेरी वजह से माए फिर से झगड़ेंगी। प्लीज एक बार, प्लीज एक बार, प्लीज एक बार, प्लीज एक बार फिर से मेरी पावर लौटाओ। नीचे उतरो डरपोक चमगादड़। तुम यहाँ फिर से आ गई भयानक डायन, तुम्हें क्या चाहिए? तुमने टीना को बदला? ये क्या बकवास है, ये रूल्स के खिलाफ है। ओ तुम ऐसा मत बोलो, फिर उसके पास नुकीले दांत कैसे आए?
शायद इसलिए कि वो एक जनजात वैम्पायर है। इसे मूर्ख बनाने की कोशिश कर रही हो, तुम्हें चीटिंग के लिए सजा मिलेगी। वैसे मैंने सुना है कि तुम्हारे पास पावर्स नहीं है। वापस आ गई है। तुम्हें टीना के साथ ऐसा नहीं करना चाहिए था। माँ प्लीज। बीच में मत आओ टीना, तुम्हारा लेना देना नहीं है। क्रिस्टी को सताना बंद करो। तुम इसे बचा रही हो? तुम वैम्पायर बनना चाहती हो? नहीं। फिर डायन? नहीं, मैं नहीं चुनना चाहती। तुम्हें चुनना होगा। हमने तुम्हें इसलिए चुना था ताकि तुम सुन सको। ये डिसीजन लेने का टाइम है। मुझे इस तरह मत देखो तुम। मैं ग्वेन से एग्री हूँ। बस बहुत हुआ। ये बॉल कहाँ गायब हो गई? अबे चल निकल चूसने वाले। अब हमारी बारी है। मैं तो इनसे तंग आ चुकी हूँ। लड़ना चाहते हो? हा? तुम भुगतोगे। मैं फिर से बहिष्कृत हो गई हूँ। ज्यादा बेहतर होते हैं। चलो देखते हैं तुम लसन की दवाई से कैसे निपट पाते हो। मैंने क्या कर डाला? हर कोई मेरी वजह से लड़ रहा है। बस करो, झगड़ा बंद करो। ए, कट ले यहाँ से। वरना हम तुमसे भी लड़ेंगे। नहीं नहीं, मैं नहीं चुनना चाहती। अब और नहीं टीना। नहीं, तुम्हारा शुक्रिया टीना। तुम्हारे भी दांत नुकीले हैं? हाँ, डायन और वैम्पायर की दोनों पावर्स मुझ में पूरी तरह से हैं। तुम्हारी आँख है। तुम्हारे पास तो वैम्पायर की आँख भी है। और दूसरी डायन जैसी। तुम सच में आधी डायन और आधी वैम्पायर बन गई। हे भगवान, क्या सच में ऐसा हुआ है? अरे देखो देखो, अगर मैं वैम्पायर और डायन दोनों बन के रह सकती हूँ तो तुम लोग भी अच्छे दोस्त बन सकते हो। लड़ने की कोई जरूरत नहीं। सही कहा तुमने। वैम्पायर हो, लड़ाई झगड़े के लिए माफ करना। हाँ सॉरी, हमें भी माफ कर देना। और तुम टीना चुनने के लिए मजबूर करने के लिए हमें माफ करना। मैंने पहले ही कर दिया। कैफे चलने के बारे में क्या ख्याल है? टीना आओ, बाद में माओ का झगड़ा खत्म कर दूं। तुमसे बाद में मिलते हैं। कैसा धुआं है। तुम यहाँ स्कूल में क्या लेने आई हो? अपने काम से काम रखो। ओह टीना की माँ, गुड आफ्टरनून। हेलो, मैं अपनी बेटी के लिए आई हूँ। नहीं, मैं अपनी बेटी के लिए आई हूँ। क्या वो अभी क्लास में है? नहीं, वो आज नहीं आई और मैं आपसे पूछना चाहती थी कि उसे क्या हुआ। लेकिन उसे तो आज स्कूल जाना था। अरे नहीं, हमारी बेटी गायब है। हमारी बेचारी लड़की कहाँ है? हमारी बच्ची। देखो पहले तुम ये कचरा पीना बंद करो। ये शांत करने की दवा है। नहीं, ये तो दुखी करने की दवा है। हमें कुछ करना होगा। कोई जादू हमारी बेटी को ढूंढ नहीं सकता। किसी ने कवच लगाया है। क्या? लेकिन हमने तो पूरा शहर छान मारा। टीना को तो किसी ने नहीं देखा। हमें सुप्रीम को बुलाना चाहिए। क्या तुम पागल हो गई हो? क्या तुम चाहती हो कि हमें यहाँ से निकाल दिया जाए? तो टीना को मुसीबत में डालना बेहतर है। हाँ तुम सही कह रही हो, हमें सुप्रीम को बुलाना चाहिए। और तुम मुझे क्यों परेशान कर रहे हो? टीना लापता हो गई है। हमें माफ कर दो, हम उसे नहीं संभाल पाए। चिंता मत करो, हम उसे ढूंढ लेंगे। ये बेकार है, टीना जादू से छुपाई गई है। कोई जादू मुझ पर काम नहीं कर सकता, आखिर मैं सुप्रीम हूँ। बचाओ बचाओ, मुझे बाहर निकालो। कोई तो मुझे बाहर निकालो। चिल्लाने की कोई जरूरत नहीं, कोई तुम्हारी आवाज नहीं सुनेगा। मैं हिल क्यों नहीं पा रही हूँ? क्योंकि मैंने तुम्हें किडनैप किया और तुम्हें सम्मोहित किया। लेकिन क्यों? तुम्हें पता है ये क्या है? ये है कथाओं की किताब, क्योंकि इसमें एक बहुत ताकतवर बच्चे एक जादूगरनी के बारे में सबसे पुरानी कथा है। मेरे बारे में? बिल्कुल।
तुम मछली खजाना हो, मैं तुम्हारी सारी पावर्स ले लूंगी और दुनिया में सबसे पावरफुल बन जाऊंगी। हमारी टीना, मैं तो पहले से ही जानती थी कि मोर टीचर पागल है। इस डायन ने सारे रूल्स तोड़ दिए। मैं टीना को बचाऊंगी और एलिस को समाज से बाहर निकालूंगी। हम आपके साथ चलेंगे। बहुत हो गया, शुरू करने का टाइम। जादुई ट्रांसफर मंत्र कहाँ है? मिस एलिस, प्लीज ऐसा मत करो, इससे आपको खुशी नहीं मिलेगी। ओह सच में, दुनिया में हुकूमत ही है जिसका मैंने सपना देखा था। ओह ये रहा, पोटेस्टर विच पेयर विन इट एड मी, पोटेस्टर विच पेयर विन इट एड मी। प्लीज रुक जाओ, प्लीज। पोटेस्टर विच पेयर विन इट एड मी। बस करो। तुम कौन हो जो मुझे परेशान करने की कोशिश कर रही हो? सुप्रीम डायन, और मैंने तुम्हें डायन समाज से बाहर निकाल दिया है। तुम हिम्मत मत करना। हो गया। नहीं। मेरे प्यारी बेटी, क्या तुम ठीक हो? ठीक हूँ। तुम बहुत प्यारी हो, मुझे ऐसा ही तो चाहिए था। आपका क्या मतलब है? आपने तो कहा था टीना को एक साइड चुननी होगी। हाँ, मैंने तुम्हें यही बताया था, लेकिन असल में तुम्हें टीना को वैम्प डायन बनाने के लिए उसकी पावर्स को जगाना था। तो आप शुरू से ही जानती थी? बिल्कुल, और आखिरी लेकिन महत्वपूर्ण बात, लेकिन आखिरकार दोस्ती कर ली और समझ गए कि भले ही तुम अलग हो लेकिन तुम में बहुत कुछ समान है। हम पहले ही समझ गए। हमारी प्यारी बच्ची। हाँ, तो अब हम साथ रह सकते हैं, है ना? हाँ। ये। हेलो दोस्तों, हमारी वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत ज्यादा शुक्रिया। कमेंट करके बताओ कि आपको ज्यादा पसंद कौन आया, डायन या वैम्पायर्स। और आज हम अपने व्लॉग में एक छोटा सा इंटरव्यू लेंगे हमारे टीम मेंबर्स का। हम उनसे रैंडमली सवाल पूछेंगे और देखते हैं वो कौन सा चूज करेंगे और किसका जवाब देंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। तो शुरू होते हैं हमारे पहले कंटेस्टेंट नेट के साथ। तो नेट बताओ के नेट या वैम्पायर? चलो ठीक है, डायन या वैम्पायर? मैं तो वैम्पायर ही चुनने वाला हूँ, अच्छे लगते हैं वो। क्यों? तो चलिए मैं आप में छोड़ता हूँ कि बताओ मैंने वैम्पायर क्यों चुना। तो जब तक आप लोग नीचे कमेंट कर रहे हैं, तुम बताओ भाई वैम्पायर के बारे में कुछ। वैम्पायर? हाँ हाँ, मुझे दो हमें खून पसंद है और हम शीशे में नहीं दिखाई देते हैं। अरे वाह, बढ़िया जवाब दिया। तो मिलते हैं हमारे अगले पार्टिसिपेंट से, लिली। लिली हेलो बोलो। हे hey! हमारे वॉचर्स को भी हेलो बोल दो। हेलो दोस्तों, कैसे हैं? तो लिली, मेरे पास एक खास सवाल है तुम्हारे हाँ, लिए। पूछो। डायन या फिर वैम्पायर? मुझे लगता है वैम्पायर। और वैम्पायर क्यों? मैं उनसे बहुत प्यार करती हूँ, वो बहुत ही सुंदर है, लाल रंग, लाल आंखें और बहुत ही ज्यादा। हो अच्छा, इतना कह ही रही हो तो मुझे 3 मस्त से फैक्ट्स बताओ वैम्पायर्स के बारे में। 3 फैक्टर, ठीक है। शुरुआत इस फैक्टर से कि वो चांदी से ये डरते हैं। हाँ। और सूरज की रोशनी से भी डरते हैं, लेकिन हम नहीं। हाँ, और क्रेजी घर में कोई नहीं। और वो बहुत तेज है हमारी तरह। और क्या हो सकता है? और क्या वो थोड़ी ऑडियंस के लिए भी? नहीं, तुमने गलत सुना है, वो बहुत ज्यादा तेज है। मस्त जवाब दिए तुमने। तो हमें लिली से वैम्पायर्स के बारे में काफी जानकारी मिल चुकी है। सारे वैम्पायर्स को चूज क्यों कर रहे हैं? कोई डायन क्यों नहीं चूज कर रहा? कोई बात नहीं, इसको बराबर पे लाऊंगा मैं। तो फिर चलते हैं। वो हाँ, तो मैं क्या कह रहा था, इस बार जो बहुत अच्छे फैक्ट्स बताएगा उसे प्राइज मिलेगा। तो ईवा, क्या तो बताओ तुम किसको चूज करोगी? उससे पहले हेलो बोल दो। हेलो, बहुत अरे, मुझे नहीं, हमारे सब्सक्राइबर्स सभी को हेलो। तो तुम किसको चुनोगी, वैम्पायर या डायन को? मैं डायन को ही। और वो क्यों? हाँ, क्योंकि आमतौर पर मुझे लगता है डायन बहुत ही दिलचस्प है। डायन स्पेशली दिलचस्प औरतें, लड़कियां कूल होते हैं।
पूरा सच नहीं। आमतौर पर मुझे उनका माहौल पसंद है। मैंने डायनों के बारे में बहुत कुछ पढ़ा है और वैसे जब तक आप लोग नीचे कमेंट लिख रहे हो लंबे लंबे, तो क्या तुम मस्त से फैक्ट्स बताओगी? ठीक है, पहला फैक्ट ये है कि डायनों के पास हमेशा एक काली बिल्ली या फिर लाल बिल्ली होती है, क्योंकि ये सारी दुनिया के लिए एक गाइड की तरह है, और इसलिए ये पहला फैक्ट है। और दूसरा फैक्ट ये है कि झाड़ू की तरह उड़ सकती है, वो फेरी टेल होती है। तीसरी बात यह है कि वो बहुत ही ज्यादा चतुर और चालाक है। उनके पास कमाल की रेसिपी और दवाओं वाली अपनी छोटी किताबें भी हैं। और हाँ, वो इसे अपने लिए बनाते हैं। हाँ, स्मार्ट और उनके चालाक, उनकी आंखें भी हरी और उनके बाल काफी ग्रे होते हैं। तो शायद हमें अपना विनर मिल चुका है। ये लो, ये एक सूटकेस है, तुम इसके साथ कहीं घूमने जा सकती हो, ओयो वगैरह, समझ रहे हो? मैंने सोचा कि अंदर कुछ मजेदार है। जब तक प्रेजेंट के साथ खेलते हैं, हम मरते हैं अगले गेस्ट के। आखिरकार युवा से बच के आ ही गया। तो आखिरकार मैंने तुम्हें ढूंढ ही लिया अलाइस। हे, डर लग रहा है? जरा हमारे सब्सक्राइबर्स को हेलो बोल दो। सभी को हेलो। तो आज हम एक दिलचस्प व्लॉग कर रहे हैं, जिसमें हम इंटरव्यू ले रहे हैं और सबसे पूछ रहे हैं कि तुम किसको चुनोगे, वैम्पायर या डायन? हाँ, मैं पक्का डायन को चुनूंगी। क्योंकि तुम डायन थी इसलिए तुमने डायन को चुना? हाँ। बहुत बढ़िया। तो तुम्हें भी कुछ खास फैक्ट्स बताने होंगे डायन के बारे बहुत में। बहुत बढ़िया, आपने मुझे इस बारे में बताया क्यों नहीं था। ये पहला फन फैक्ट है डायन के बारे में कि उन्हें पता ही नहीं होता कि हो क्या रहा है। क्या फैक्ट दे तुमने यार, आगे बढ़ते हैं। वो हंसते बहुत है। ये बहुत फनी है और स्मार्ट है। हाँ, मुझे समझ आ रहा है, ये बहुत फनी और स्मार्ट है और वो चमगादड़ पालते हैं। पर हिवा ने तो बताया था कि उनके पास बिल्लियाँ होती हैं, काली बिल्लियाँ। हमारे पास अलग अलग जानकारी है, हम अलग अलग डायन हैं, अलग अलग ग्रुप से, अलग अलग पीढ़ियाँ। तो ये व्लॉग का एंड है और आप सभी का बहुत बहुत शुक्रिया हमारा व्लॉग देखने के लिए और हमारी वीडियो को पूरा देखने के लिए। तो लाइक करना, सब्सक्राइब करना, कमेंट भी करना और शेयर भी कर देना। अब मिलते हैं अगली वीडियो में। तो अब बढ़ते हैं हमारे ब्लूपर्स में। अगर वो बदल गई तो मैं कैमरे में क्यों देख रही हूँ? किसे मूर्ख बना रही हो, तुम पछताओगी। हम आपके साथ चलेंगे।